नमस्कार, यूबीबी न्यूज से मैं प्रदीप धीमान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, वहीं लगभग सभी सीटों पर टिकटों की जो मारामारी चल रही थी वो भी साफ होती नजर आ गई है। लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। उसी के बीच कई लोगों की नाराजगी भी पार्टी के खिलाफ देखी जा सकती है। उसी का ताजा उदाहरण है पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा। जी हां, पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं प्रवीण शर्मा, क्योंकि एकाएक उनकी टिकट काट दी गई है और एक नए उम्मीदवार को पालमपुर विधानसभा सीट से उतार दिया गया है। वहीं पर प्रवीण शर्मा ने अब ऐलान कर दिया है कि वो लड़ेंगे आजाद चुनाव। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है कि एक बार फिर से प्रवीण शर्मा चुनाव लड़े, और प्रवीण शर्मा ने यह फैसला लिया है कि वो आजाद चुनाव लड़ेंगे पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से। आजाद प्रत्याशी के तौर पर प्रवीण शर्मा कल भरेंगे पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन।